हमें तो ना है अभी ये वाले कस्टर्ड एप्पल, और अम्मी मेरे लिए लगा के दे रही है रोटी में घी। बैंक चेंज करना पड़ेगा, अकाउंट चेंज करना पड़ेगा अपना, यूट्यूब का अभी वही करना पड़ेगा ऑप्शन। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितने रोटी खाता हूँ ब्रेकफास्ट में। ये गया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं अजमेर और आप सबका स्वागत करते हैं एक नए व्लॉग में। आई नो ये व्लॉग काफी लेट आ रहा है, उसका रीजन ये कि मुझे मिला था 14 डेज के लिए स्ट्राइक, एंड क्यों मिला वो मैं तो आपको जरूर बता दूंगा। बट जिस दिन मुझे मिला था ना उस दिन और कल पूरा दिन ना भाई बिल्कुल भी मतलब लाइक मूड अच्छा नहीं था, करूँ क्या करूँ समझ ही नहीं रहा था। एक पल के लिए लग रहा था कि यूट्यूब ही डिलीट करूँ, फिर ये डिसाइड किया कि अरे खैर कोई नहीं, ये जिंदगी का मतलब अब मेरा इंतहाम चल रहा है, जिंदगी का इंतहाम चल रहा है तो मैं इसे हार नहीं मानूंगा, जो होगा करूँगा। वही सोच सोच के अभी फिर मैं मोटिवेट होकर मैं आज का व्लॉग फिर से शुरुआत कर रहा हूँ, और आज से सारा दिन का मैं व्लॉग बनाऊँगा, और लेट हो या कुछ भी हो बट मैं डालूंगा। कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ 29 को जा रहा हूँ यूपी। ये व्लॉग तो काफ़ी दिन बाद ही आ रहा होगा बट फिर भी बता दो, 29 को हम लोग जा रहे हैं यूपी अपने गांव। गांव जाने के लिए बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है, काफ़ी सालों बाद हम लोग पूरे फैमिली के साथ जा रहे हैं, इसीलिए बहुत सारा तैयारी चल रहा है। कि हमारे घर पर है कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल है जिसको शेरपा भी कहते हैं समथिंग, बट तो वो अम्मी बोल रही है कि तोड़ के ले जाएंगे, गाँव में ले जाएंगे और सभी लोगों को देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। तो अभी मैं वही तोड़ने जा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ है वहाँ पर कुछ है, तो अम्मी और मैं मिलकर इसको तोड़ेंगे और आपको भी दिखाएंगे कितना हमने कलेक्ट किया है। तो अभी सबसे पहले यही काम है, ये करने के बाद हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, और हमें तो ना है अभी ये वाले कस्टर्ड एप्पल। वैसे अभी पके नहीं है बट पक जाएंगे। उधर कहाँ जा रहे हैं? अंदर से हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। अंदर से तोड़ेगा क्या? अंदर से कि यहाँ से भी तो चढ़ सकते हैं इसमें? नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा उस तरह में भी है, ऊपर में भी बहुत सारे हैं, तो जितना हो सके अभी तोड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गया अपना कस्टर्ड, ऐसे तोड़ता है ना मैं। ये देखो एक पहला सबसे बड़ा, ये अभी पूरा पका हुआ नहीं है बट इसे धीरे धीरे में रखेंगे तो पक जाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं मैं। ये पहला गया, और कौन सा कौन सा, ये वाला भी ना, कुछ कुछ छोटे हैं कुछ कुछ बड़े हैं, बट जो भी हो अब धीरे धीरे देख देख के हम तोड़ लेते हैं पूरा। अभी मैं पेड़ के ऊपर चढ़ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए एकदम पास पास में है एकदम मस्त वाले फ्रूट। टूट जा टूट जा टूट जा, अरे गलती से उठ गया। हाँ हमें कैच कैच कैच, ओ कैच पकड़ लिया हमें। और एक यहाँ पर भी है, ये देखो ये देखो ये देखो, नहीं नहीं ठीक है, ये ले। अरे कैच पकड़ेगा, ले कैच पकड़, ये वाह हम भी कैच कर रहे हैं। और वहाँ पर भी कुछ कुछ है, देखिए वहाँ पर है, तो वो भी मुझे तोड़ना पड़ेगा कुछ उपाय करके, सामने जाऊँगा तो ऐसे गिर जाएगा ना, उसके बाद अपनी भी हड्डी पटली एक हो जाएगी। तो यहाँ से जितना तोड़ना था वो हमने तोड़ लिया, और कितना तोड़ा अभी तक मैं आपको दिखाऊं, तो कुछ इतने अभी हमने कलेक्ट किए हैं वहाँ से, एंड अब बारी है सेकंड इस पर, और यहाँ पर तो भाई चढ़ना मुश्किल ही लग रहा है मुझे, बट मैं ना कुछ कोशिश करूँगा लटक के या डांटा उंटा मार मार के। पकड़ा गया, ये गया। ये देखो ये देखो कितने मस्त मस्त है, बड़े बड़े, पक जाएगा ना, जल्दी पक जाएगा ये सब, ये देखिए। हाँ तो अभी कोशिश कर करके जल्दी तोड़ लेता हूँ, क्योंकि ऊपर जाके वीडियो बनाने के लिए मुश्किल है, कुछ कुछ बड़े बड़े तोड़ लेता हूँ, और ऊपर में ना एक्चुअली में बहुत बड़े बड़े, हो सके तो मैं ऊपर भी चढ़ सकता हूँ, बट कितना तोड़ना है वो तो अभी नहीं पता, अब धीरे धीरे जल्दी से तोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने कुछ इतने ज़्यादा कलेक्ट कर लिया, और उम्मीद से ज़्यादा मिला हमें ना, हमें तो सोचा नहीं होगा इतना ज़्यादा, हम भी नहीं सोचे थे, बट वैसे ना अभी भी यहाँ पर ना बहुत सारे, बट वो छोटे छोटे, एंड जिसका हाँ जिसके नसीब में होगा उसे तो मिलेगा, कहते हैं ना खाने दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, तो जिसका नसीब में होगा वही होगा। अब जैसे कि ये वाले सब गांव में जाएंगे ना, तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मतलब यहाँ का फ्रूट गांव में जा रहा, तो कहते हैं ना दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, तो बस इतना कुछ कलेक्ट किया है, अब इसको लेके चलेंगे। चल हाँ वही वही मिलता नहीं है, चल उठाओ, दोनों आदमी उठा लेंगे तो उठा ले, भारी भी है बहुत भारी है, इतना कुछ मिला अभी है। उठाना तो हमें गांव जाते समय तो भाई अपनी तो वाट लगेगी, क्योंकि पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर आ जाता है।
रख दे ठीक है आ जाओ। बुलबुल कैसे रहेगी यहाँ जब हम लोग चला जाएंगे, तो उसके बाद ये कहाँ जाएगी? इसे तो लेके नहीं जा सकते ना, उस तरह में ट्रेन में जाके दिक्कत होगा ना, तो इसलिए इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। और अगर इसको रहना होगा तो रहेगी हमारे घर, नहीं से कहीं चले जाएगी। फिर एक और चिंता बा बुलबुल के। अरे रहेगा हमारा बुलबुल, कहीं नहीं जाएगी ना बुलबुल, नहीं जाएगी ना। चिल्लाती है, बहुत गुस्सा दिलाती है, बट फिर भी घर के लिए बहुत अच्छी है। रोटी चाहिए इसको, चाहिए इसको भी सुबह सुबह रोटी चाहिए। उसके बाद अपने घर पे भोली है, उसको भी रोटी चाहिए सुबह सुबह। इन लोगों का यही है, नहीं खाएंगे तब तक शांत नहीं होंगे। और अब्बा यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं पूरा लाल लाल बालों के साथ। ये गाजर क्यों काट के रखा है इसे? अब ना वो कहाँ बन, क्या बनाने के लिए रखा था? क्या चीज? हलवा। तो एक बार समय थोड़ा सा निकाल के बना देना, ऐसे रख के सूख जाएगा तो मजा नहीं आएगा। ऐसे काट काट के रखा तो गांव में ट्रेन में जाने के लिए मीठा खा के ट्रेन में खाने के लिए। हाँ वो भी ठीक रहेगा। तो वही तो पानी में डाल के रखने से शाम के बनाई या सुबह जिस दिन हम लोग जाएंगे उसके एक दिन पहले। और होपफुली अगर ये नहीं सूखेगा तो इसका गाजर का हलवा तो खाने मिलेगा ट्रेन में। और हो सके तो जो लोगों को खिला सके उनको भी खिलाएंगे। अब बारी है दोस्तों ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में क्या क्या बना वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं अब्बा का थोड़ा सा मेहनत चीज़ दिखाता हूँ। अब्बा सुबह सुबह उठ के करते क्या, हम तो क्या होता है कि थोड़ा लेट उठता है क्योंकि बिकॉज ऑफ मेरा ब्लॉगिंग वगैरह एडिट करना पड़ता है, जिसके थोड़ा लेट उठता है। बट अब्बा उठ जाते हैं 4 बजे 5 बजे और जाके कलेक्ट करके लेकर आता है ये जितने भी बियर के बोतल्स दिख रहे हो ना ये, और ये यहाँ पर 80 रुपीज़ पर किलो बिक्री होता है। तो अब्बा कुछ एक ये बस्ता और यहाँ पर है प्लास्टिक बोतल्स जो कि 10 रुपया पर किलो बिक्री होता है बोतल्स। तो वो अब्बा कलेक्ट कलेक्ट रखते हैं और बिक्री करते हैं। हाँ दो तीन चीज़ फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो भाई जितने भी जबरे मार्केट का वो साफ़ हो जाता है, फिर इसके बाद इससे इनकम भी हो जाता है तो ये अच्छी बात है, और इसका रीयूज़ भी हो रहा है। तो तीन चीज़ जैसे फ़ायदे होते हैं, तो इसमें मतलब कोई गलत नहीं है। अगर जो गलत समझ रहे हैं ना वो अपने मन में रख लो भाई, क्योंकि अगर आप नहीं समझ सकते तो आपको समझा भी नहीं सकता हूँ मैं। बस जो समझ रहा हूँ तो समझेंगे। सबीना अभी तक दुकान नहीं गई और घर का पूरा काम कर रहे हैं, और कल मैं चावल लेकर आया था वो सब मिला रहे। सबीना सबीना का सब पैकिंग हो गया, गर्मी से ये जल्दी पक जाएगा, तो इसको ऐसे रख दो तो ये जल्दी पकेगा। आप लोग भी ऐसे कभी कभी इस्तेमाल। ओ यहाँ पर भी है, बहुत सारा अंदर डाला है क्या? ओह बो ये देखिए ये तो हम लगता है हम लोग को खाने मिलेगा। मैं हाँ हम लोग पकी गए, तोड़ दो तोड़ो दस्तानी के अंदर ने भी इसको ऐसे रख दिया चावल के अंदर, और ये कुछ दिन बाद नहीं कल तक ये पक जाएगा। अब पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर में भाई फ्रूट है। ब्रेकफास्ट में आज क्या क्या स्पेशल है मैं आपको दिखाता हूँ, एंड साथ ही साथ आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितने रोटी खाता हूँ ब्रेकफास्ट में एक टाइम में, सिर्फ ब्रेकफास्ट में। यहाँ पर अपना करेला का फ्राई है, कितना मस्त लग रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए रिकोज जो कि कच्चू के पत्ते से बनाए जाते हैं ना वो वाले रिकोज, और साथ ही साथ यहाँ पर है तीसी की चटनी। और एक चीज़ मिस है जो कि चाय, और करेला के साथ मतलब चाय पीना अच्छा नहीं होता ऐसे हमें बोलती है, इसलिए मैंने सुबह ही चाय पी लिया था, पता था ब्रेकफास्ट में ये बनने वाला है। एंड आपको मेन चीज़ जो कि रोटी दिखाना था ना कितना खाता हूँ मैं, तो ये देखिए कुछ इतने ज़्यादा रोटी है। अभी मैं आपको कान को भी दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिनिश कर देता मॉर्निंग के समय में, इसलिए तो मेरा शरीर इतना हैवी है। अपना बुलबुल यहाँ पर सोई एकदम मस्त से मेरे बिस्तर में, बेचारे टेंशन में, कुछ दिन बाद हम लोग चले जाएंगे तो ये अकेले रह जाएगी ना। ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड अभी मुझे जाना अपने बैंक में। एंड एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो पेमेंट आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करी है बैंक ऑफ इंडिया वाला। जब भी पेमेंट आने वाला था ना तब एक फॉर्म देना पड़ता है, तब जाके मतलब पेमेंट आते हैं। तो वही अभी जाऊँगा मैं, अम्मी को बोला डॉक्यूमेंट निकालने के लिए, अपना डॉक्यूमेंट निकाल के उसके बाद जाके देना है, वहाँ सबमिट करना है। कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रही है बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप भी अगर इन फ्यूचर चैनल मोनिटाइज करते हो और बैंक ऐड करना चाहते हो ना, बैंक ऑफ इंडिया एड मत करो, बहुत बकवास है बहुत। हर बार मुझे फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, क्या सबमिट करना मैं आपको दिखाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स भी ले लिया, और अम्मी का ये जो हाथ का काम करना था वो कम हो गया, बटन लगाने था और काज बनाने थे, अम्मी घर पे बना देती है। तो अब चलते हैं दुकान पर, और एक दो दिन बाकी है उसके बाद इन लोगों का काम खत्म, उसके बाद पूरा राहत ना घूमेंगे भाई।
वापस जाके पता चलेगा, शादी में घूमने का मौका मिलेगा कि नहीं। वहाँ जाके फिर वहाँ का घर सेट करना है। वो तो जाना है, वहाँ पर जाने के बाद तो भाई साहब अपना घर का साफ सफाई, पता नहीं हम लोग रात को जाएंगे या डे में जाएंगे, अभी कन्फर्म नहीं है। सुबह जाने से ठीक है, रात को जाएंगे क्या करेगा अंधेरे में। हम भी वही सोच रहे हैं, खैर वो तो जाने के बाद डिसाइड होगा, बट इतना है कि दिन में जाने से ना प्रॉपर हम आराम से पहुँच भी जाएंगे, उसके बाद काम भी हो जाएगा। और स्टेशन में मच्छर भी काटते हैं, ये भी टेंशन है। रात भर चौकीदारी करेंगे, ब्लॉक बनाएंगे, फिर वो तो देखा जाएगा। तो अभी सबसे पहले मैं अपना बैंक का काम कर लेता हूँ। रेंट यहाँ पर नहीं थे जिसके वजह से मैं फोटो नहीं निकाला, उसके बाद अपना फॉर्म वगैरह जमा नहीं किया, आज करने जा रहा हूँ। और क्या फॉर्म है मैं आपको दिखा दूँ, तो ये नॉर्मली आपका KYC फॉर्म है जो कि देना पड़ेगा, उसके बाद कुछ ये नया वाला फॉर्म है। इसमें ना भाई साहब क्या अजीब अजीब से लिखे हुआ ना, समझ ही नहीं आ रहा इसमें कितने अजीब से लिखे हुआ ना, क्या क्या लिखे हुआ पूरे एकदम बैंक वाले स्टाइल में ना, कुछ समझ नहीं। मैं बैंक में जाके भरूंगा इसको। यहाँ पर अपना जेरोक्स भी निकाल ले, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, और वहाँ पर अपना फ़ोटो निकलवा रहा हूँ। ये निकालने के बाद जाके बैंक में सबमिट कर देगा, एंड होपफुली कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो दूसरे अकाउंट खोलना पड़ेगा, मतलब दूसरे बैंक में खोलना पड़ेगा जहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं बाहर में ट्रेवल कर रहा हूँ तो फिर मुझे हर बार आके जमा करते रहना तो पॉसिबल नहीं होगा ना। अपना जितना भी सबमिट करना था फॉर्म वगैरह सब सबमिट कर दिया, बट यहाँ पर एक चीज़ बताया भैया ने कि हर महीने आपको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास सबमिट करना पड़ेगा कि हाँ आपका पैसा ऐसे ऐसे आ रहा है। तो हर बार कहाँ कर पाएंगे, बैंक चेंज करना पड़ेगा, अकाउंट चेंज करना पड़ेगा अपना, यूट्यूब का अभी वही करना पड़ेगा ऑप्शन। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे भैया का चैनल 14 दिन के लिए स्ट्राइक है, उसके वजह से ये 14 दिन तक टेलरिंग करेंगे, कुछ कुछ सीखेंगे सिलाई, अलग धंधा स्टार्ट हो रहा है, तो अभी सीख रहे हैं। सबसे पहले अपने कपड़े में ट्राई कर रहे हैं, खराब होना चाहिए तो अपना होना चाहिए, दूसरा का नहीं, इससे पहले खुद का करेंगे। तो 14 दिन के लिए टेलरिंग स्टार्ट इनका। जब हम गांव पर जाएंगे वहां पर तो खर्चा अपना होने वाला है, और गांव जाने से पहले भी अपना बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। यहाँ पर अभी हमने कुछ रास्ते में खाने पीने के लिए जो बनाना है ना, उसके लिए यहाँ पर सामान लिया है। अब क्या क्या बनेगा वो तो आपको सकीना के ब्लॉग में जाके देख ही लिए होंगे अभी तक, क्योंकि मेरा तो वीडियो बहुत लेट आने वाला है। तो कुछ सामान लिया है, अभी घर पर जाके देते हैं, वो लोग बनाएंगे क्या क्या बनाएंगे। रास्ते में ट्रेवल करते समय खाने के लिए यहाँ पर ठेकुआ भी बन चुका है, और इसे खास्ता भी कहते हैं। तो ये बना हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ नमकीन बने हुए जो कि चाय वगैरह के साथ में ना पीने के खाने के लिए मस्त लगेगा। और लिट्टी वगैरह नहीं बनेगा मी, काल को बनेगा। अच्छा, वो पूरा मस्त घर वाले ना। कौन सा खाओ, मस्त स्वीट और नरम नरम खाते हो। क्योंकि भूख बहुत जोर से लगे, दोपहर में मैं खाना नहीं खाता ना, और लंबा भी समय हो रहा है जिसकी वजह से ना भूख लगा। तो अभी अम्मा और अब्बा का वेट नहीं कर रहा, यहाँ पर आ चुका अपना आलू और बैंगन का फ्राई, और यहाँ पर अम्मी मेरे लिए लगा के दे रही है रोटी में घी, पूरा मस्त लगा के दे रही है। बोल रहे कि कमज़ोर हो गया तू, इसीलिए मुझे पूरा घी लगा के दे रही, एकदम खा लो अच्छे से, इतना प्यार से दे रही लगा के, देखियो पूरा एकदम देसी घी। घर वाला होने से तो और अच्छा लगता ना हमें, पर वो वाला नहीं, तो कोई नहीं, इतना प्यार से लगाते रहिए, इससे भी ये मस्त होगा। आज का दिन पूरा समाप्त हो चुका है, एंड अब बारी है सोने के लिए, एंड ब्लॉग एडिट करके रख दूंगा, क्योंकि मुझे ये कल अपलोड नहीं करने, मुझे करने हैं 14 दिन बाद। तो अफसोस लग रहा है, बार बार ये 14 डेज बोल रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा खा, मुझे रिसेंट व्लॉग्स दिखाने के लिए, रिसेंट वीडियोस दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट बहुत अफसोस बुरा भी लग रहा है, बट कोई नहीं, एटलीस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ आज का ये डे भी। तो ब्लॉग कैसे लगा कॉमेंट करके बताएगा, एंड कल मिलेंगे और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।